हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन प्लान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सेवन्थ का लेसन प्लान, और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक एनिमी कंट्री। इस टॉपिक को जहाँ पर आप लिखते हैं टॉपिक का नाम वहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को डिटेल वीडियो मैंने बना के दिखाई है आज की वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पर देखनी है, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों को लेसन प्लान से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है किसी भी आपको स्किल के ऊपर, तो भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पर इस तरीके से डेली लेसन प्लान या फिर लेसन प्लान सिर्फ लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना है जिस स्कूल में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उसका नाम लिखना है, डेट लिखना है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास सेवेंथ है, पीरियड आपका जो भी होगा उसको अपने अनुसार लिखेगा, ड्यूरेशन 35 मिनट का है, जितना भी आपके कॉलेज वाले आपको समय दें क्लास के लिए उतना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है, एनिमी कंट्री है। अब आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग आपका यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एक तरफ लिखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर्स। इसमें आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर क्या चेंजेस आएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट इसमें, द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेव लेडी ऑफ राजस्थान। आप जहाँ के भी होंगे उसको लिख दीजिएगा, ब्रेव पर्सन ऑफ विच स्टेट। सेकेंड है, दे विल बी एबल टू रिकॉल दैट ही सेक्रीफाइस ब्रॉट अबाउट द डेथ ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमी सोल्जर्स एंड देयर सेक्रीफाइजेस। सेकेंड हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट इसमें, द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर दैट आवर कंट्री वॉज इन्वेडेड बाई द एनिमी एंड देयर बटालियन वेयर ऑर्डर टू किल द सिविलियंस। सेकेंड पॉइंट है, दे विल बी एबल टू कंपेयर द एनिमी फोर्सेस विथ बटालियन इन्वेडेड चेंजेस देम लॉन्ग। थर्ड पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज टू बी अबाउट फॉर्म द टेररिस्ट हॉव अक्रॉस द बॉर्डर। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्रेशन, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस दैट रियलाइजेशन अबाउट द कंट्री ऑफ द एनिमी फोर्सेस ऑन सिविलियंस एंड विलेजर्स। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है, अब देखिए यहाँ पे आपका शिक्षण उद्देश्य खत्म होता है, आपका नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। इसमें लिखा गया है, इट इज एज्यूम दैट स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ द एनिमी कंट्री। नेक्स्ट हेडिंग आता है टीचिंग एड्स यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें आप जिन जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान उनको लिखना होता है, तो यहाँ पे चार्ट का यूज करेंगे आप, मॉडल बना के ले जाएंगे, रोल अप बोर्ड साथ में रखेंगे, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिगर हु सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द कंट्री। बच्चे बोले गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू वी स्टिल रिमेंबर देम। इसका आंसर मिलेगा, बिकॉज दे बिल्ड फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री डू यू डू नॉट लाइक इंडियाज प्रोग्रेस। तो इंडियाज प्रोग्रेस को कौन कंट्री लाइक नहीं करता, सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना ही लाइक नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान्स इन्वेजन। बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या फिर स्टेटमेंट ऑफ एम जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहें वो लिखिएगा। इसको कहते हैं उद्देश्य कथन, यानी कि आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द सिचुएशन व्हेन। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे रुकिए मैं बताता हूँ क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख लीजिएगा, एनिमी कंट्री इन्वेडेड आवर कंट्री एंड प्लान टू किल आवर विलेजर्स। अब बच्चों को पता चल गया कि एनिमी कंट्री के बारे में उनको पढ़ना है और आप पढ़ाएंगे उनको एनिमी कंट्री के बारे में। अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग डाली पहले टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचर एक्टिविटी।
इसके सामने भी कॉलम है, इसको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। दो कॉलम के बाद तीसरा कॉलम ऊपर बना लीजिएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड, स्ट्रेटजीज, टीचिंग एड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क। उसी पेज पे है आपको, बस ऊपर नीचे करके दिखा दिया मैंने। तीन कॉलम यहाँ पे है, दो कॉलम यहाँ पे है, यानी कि वो जो तीनों कॉलम है इसके आगे यहाँ पे बना लीजिएगा। तो स्टेप वन है, स्टेप वन में उस पैरे को पढ़ेंगे जो बुक में आपके है। आवर कंट्री वॉज इन्वेडेड बाई द एनमी डैश डैश डैश, आप पूरा पैरा लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए डैश 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 करके, उस पैरे का लास्ट लिख दीजिए, नेबरिंग विलेजेस हैड बीन वैकेटेड। यहाँ पे उसके बाद मॉडल रीडिंग यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद है इंटीमेशन रीडिंग, यानी कि बच्चों से उस चीज़ को पढ़वाएंगे, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज लाउडली एंड करेक्टली, ही विल करेक्ट द एरर इफ नीडेड। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड करेक्टली, अ गुड ट्रेनिंग इन प्रोनाउंसिएशन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। डिटेल एक्सपोजिशन है, एम्बेडेड यानी कि घुसपैठ कर दी, सिविलियन यानी कि नागरिक, स्पेयर यानी कि छोड़ना, एवेडिंग यानी कि बचते हुए, इनकाउंटर मतलब सामना करना, वैकेटेड मतलब खाली करा दिए लिए। साइलेंट रीडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स साइलेंट ही द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, क्वेश्चन है, इसका आंसर सामने लिखा गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। हु इन्वेडेड आवर कंट्री, बच्चे बोलेंगे एनिमी कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बटालियन अफ्रेड ऑफ, इसके आगे देखिए यहाँ पे पहले तो लिखना है स्टूडेंट वाले कॉलम में, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, सेकंड वाले में जो इंटीमेशन रीडिंग था, द स्टूडेंट विल डू अकॉर्डिंगली, थर्ड है द स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर, लेक्चर मेथड था तो लेक्चर मेथड लिख दीजिए, यहाँ पे शॉर्ट टेलिंग स्टोरी टेलिंग मेथड था, स्टोरी आप टेल कर रहे थे वहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड लिख दीजिए, और यहाँ पे मीनिंग वर्ड मीनिंग लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पे, वार्म यानी गर्म, बिजी यानी व्यस्त, हाउस होल्ड मतलब गृहस्थ, डॉटर्स यानी पुत्रियाँ, फील्ड मतलब खेत। जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन मेथड था, पहले क्वेश्चन का आंसर था एनिमी कंट्री, दूसरा था सडन डेंजर। अब सेकंड स्टेप आता है, सेकंड पैरा पढ़ाएंगे, सेकंड पैरा भी उसी तरीके से आपको करना है, सारी चीज़ें वैसे ही, पैरे को पढ़िए थोड़ा सा और लास्ट मतलब पूरा पढ़ना है आपको वहाँ पे, लेकिन बुक में यहाँ पे जो फाइल में लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा लिखिए, द बटालियन रीच द विलेजर अबाउट बट नोटिस नो मूवमेंट हर्ड नो नॉइजेस डैश 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 थ्रू कंज्यूमेबल आइटम्स विडियंटली बीन स्पिरिट टू प्रिवेंट देयर फॉलिंग इन टू द हमास ऑफ द एनिमी। सेम चीज़ यहाँ पे है, फिर से आपको मॉडल रीडिंग, इंटीमेशन रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में सारी चीज़ें सेम लिखनी है, आप देख के लिख लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल तक सारी चीज़ें सेम रहती है, उसका डिटेल एक्सपोजिशन में आपका जो पैरे में जो कठिन वर्ड आएगा उसको मीनिंग, उसको पढ़ना कैसे है और उसकी मीनिंग बताना है, एडवांस मतलब आगे बढ़े, एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, अलर्ट सतर्कता, कंज्यूमेबल मतलब खाद्य पदार्थ, प्रिवेंट मतलब रोकना। साइलेंट रीडिंग्स में सेम चीज़ लिखनी है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली, कम्प्रिहेंशन टेस्ट है, फिर से उस जो अभी पैरा पढ़ा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वाज द स्मोक ऑफ, सेकंड है व्हाट वेयर दे ऑर्डर, तो इसका आंसर भी अभी मैं दिखा देता हूँ, स्टोरी टेलिंग था मेथड, फिर लेक्चर मेथड था, फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपने जो वर्ड मीनिंग बताया, सडनली अचानक, अप्रूप यानी कि शोरगुल, मैटर यानी मामला, रॉयल मतलब शाही, एंटर मतलब संपूर्ण। क्वेश्चन आंसर में जो पूछा आपने, ऑफ बर्निंग ऑफ द वीट एक्सेट्रा, सेकंड है टू बी अलर्ट ऑन ऑल साइड, क्वेश्चन मेथड था, क्वेश्चन मेथड लिख दीजिए। अब थर्ड आता है स्टेप आपका, थर्ड पैरा पढ़ाएंगे, द सोल्डर सोल्जर्स वेयर डाइंग ऑफ थ्रस्ट एंड हंगर डैश 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 द सोल्जर वेयर ड्रैगिंग हर टू देयर कमांडर। मॉडल रीडिंग में सेम चीज़ लिखी है, द टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इंटीमेशन रीडिंग में बच्चों से आप पढ़वाएंगे, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज लाउडली एंड करेक्टली, ही विल करेक्ट इफ नीडेड। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड करेक्टली, अ गुड ट्रेनिंग इन प्रोनाउंसिएशन विल बी गिवन टू देम। एक डिटेल एक्सपोजिशन में फिर से है, टॉयल मतलब मेहनत, रेज मतलब गुस्सा, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गए,
डिजर्टेड मतलब सूखी पड़ी, सुनी पड़ी। साइलेंट रीडिंग में सेम चीज़ लिखना है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली। कंप्रेहेंशन टेस्ट है, दो क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद सोल्जर्स, सेकंड है व्हाट डिड दे डू। स्टोरी टेलिंग मेथड लिखिए, लेक्चर मेथड लिखिए, ब्लैक बोर्ड पर फिर से वही चीज़ें लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, देख के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, सेकेंड है रोस्ट विद रेज, क्वेश्चन मेथड था। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन खत्म होता है, मूल्यांकन प्रश्न आता है, एवेल्युएशन क्वेश्चन जिसको कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एनिमी सोल्जर अवॉइड एन ओपन एनकाउंटर। सेकंड है, व्हाट डिड जैन इन द विलेज। थर्ड है, हु डिड द सोल्जर टेक टू कमांड। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, वेयर डिड बटालियन रीच, विलेज, टाउन, नगर, सिटी, विलेज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, द सोल्जर वेयर डाइंग ऑफ डैश एंड हंगर, थर्स्ट एंड हंगर था, ठीक। होमवर्क है, लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, लेसन प्लान का होमवर्क होता है, यानी कि गृह कार्य, बच्चों को घर से करके लाने के लिए एक दो क्वेश्चन दे दीजिए जो पढ़ा है आपने उससे रिलेटेड। व्हाई डिड द एनिमी मार्च टूवर्ड अ लिटिल विलेज। ये हो गया आपका चैप्टर, कहाँ से लिया गया है, सजेशन ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे सजेशन देगा जो टीचर आपका यहाँ पे बैठा होगा, सजेशन देगा, कुछ कमियाँ होंगी उसको बताएगा और क्या कैसे सुधार करना है वो सारी चीज़ें यहाँ बताएगा। इंग्लिश लेटर यहाँ पे साइन कर देगा अपना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को अगर PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखने, सभी विषयों के यहाँ पे लेसन प्लान की वीडियो, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं सभी क्लासेस के लिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।